दोस्तों आज का वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो दहेज डोरी केस 498 की जो पुलिस एफआईआर होती है उसमें मैक्सिमम सिमिलरी 90% केसेस में एक डेफिनेशन जो होती है वो सेम होती है हमेशा। उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज, किस तरह के एलिगेशन होते हैं वो झूठे होते हैं, किस तरह के एलिगेशन होते हैं वो सच्चे होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं स्पेशल करूँगा कि जो एलिगेशन होते हैं सिमिलरी टाइप के जो 101% झूठे होते हैं उसी के बारे में, और इसके अगला पार्ट फिर मैं एक लड़कियों के लिए स्पेशल महिलाओं के लिए बनाऊंगा कि अगर आपको 498 यानी डोरी की डिमांड की जाती है तो एक्चुअल में आप पुलिस एफआईआर कैसे करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसलेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हो। थर्ड बात दोस्तों, इंस्टाग्राम और सेकंड मेरा यूट्यूब चैनल है, लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएगा, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना दोस्तों। देखिए दोस्तों, हर किसी की आप कॉमन एक समस्या है, किसी भी आपकी जो भी डोरी आईपीसी 498 एक ही कोई सी भी पुलिस एफआईआर उठा के दे लीजिए, मैक्सिमम 90% जो भी हम देखते हैं उसमें क्या होता है, मेरे से गाड़ी की डिमांड की गई, मेरे से 10 लाख की डिमांड की गई, ठीक है, मेरे से 50 लाख की डिमांड की गई। देखो दहेज केस का एक रूल होता है कि खुद की कैपेसिटी कितनी है। भाई जो बंदा अगला आपसे डिमांड कर रहा है उतनी कैपेसिटी आपकी है या नहीं है, पहली बात तो ये पहले डिसाइड कर लीजिए आप लोग। सेकंड पॉइंट होता है कि जो आपके एफआईआर की ड्राफ्टिंग होती है, जो भी किसी भी, क्योंकि एफआईआर डायरेक्ट महिला डायरेक्ट करती भी नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई वकील का सहारा जरूर लेते हैं, उसमें से क्या होता है कि मैक्सिमम सिमिलरी होती है कहीं केसों में, बस नाम चेंज होते नहीं, तो वही कहीं केसों में सिमिलरी टाइप के एलिगेशन होते हैं। मेरे साथ मारपीट की गई, गैस का चूल्हा ओपन कर दिया, मुझे जलाने का प्लान, मतलब इससे एलिगेशन लगा। देखो एक प्लान है साहब की, उन्होंने गैस का चूल्हा ओपन कर दिया और बाहर जाके बैठ गए वहीं पे। भाई एक मकान में जब गैस ओपन करके जाओगे तो मरेंगे तो पूरे ससुराल वाले साथ में, नहीं भाई स्पेशल आप थोड़ी है, क्योंकि घर छोड़ के कहीं भगेंगे तो नहीं वह लोग। तो ऐसे जो एलिगेशन होते हैं बेबुनियाद होते हैं, इनका कोई तथ्य सबूत होते ही नहीं है, ये सब कुछ होता है जो एक केस बनाने की होती है। देखो पुलिस हमेशा आरोपों से चलती है, कोर्ट हमेशा सबूतों से चलती है। अभी इंदौर बेंच हाईकोर्ट ने एक चीज़ बोली भी है कि भाई सबसे पहले तो हैसियत के अकॉर्डिंग जो आप लोग ये लिखते हो कि मुझे 50 लाख की डिमांड, इनोवा गाड़ी की डिमांड की गई, मुझे इस चीज़ से मारा गया, गैस चूल्हा ओपन किया, भाई आपके पास कोई तथ्य सबूत है ही नहीं। हर कोई इसे जानबूझ के कि आपकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, तो आपसे कैसे डिमांड की जाएगी भाई, इतनी कैसे डिमांड हो रही भाई। दूसरी बात, आपसे इतनी डिमांड की जा रही है और फिर आप लोग कहीं पर एक चीज़ होती है, एक और इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बताता हूँ, जो क्या होता है, हमने 35 लाख रुपए शादी में खर्च किए, हमने 40 लाख रुपए शादी में खर्च किए, ये मैक्सिमम कॉमन जो आते हैं पॉइंट में बता रहा हूँ आपको। अब देखो कोर्ट कभी भी ये जो शादी में खर्चे खर्चे होते हैं इनको दिलाता नहीं कभी, ये मायने में बात फिट कर लेना, ठीक है, क्योंकि कोर्ट जो शादी में खर्चा होता है वो लड़की वाले का भी हुआ तो लड़के वाले का दोनों का ही हुआ है भाई, हर जाना तो दोनों साइड से हुआ ना। और 35-40 लाख रुपए अगर आप लिख देते हो और अगर पति की तरफ से समझदारी है तो इनकम टैक्स रिवीजन एक्ट लगा के वो आपका पूरा ही बेड़ा गर्क कर देगा, ये मान लेना। अगर नॉलेज है हस्बैंड को तो इनकम टैक्स रिवीजन एक्ट एक पिटीशन डालेगा इनकम टैक्स में, तो आपको उसके लेने के देने पड़ जाएंगे, जो आप देना भी काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, ये याद रखना। तो ये कॉमन समस्या मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। मेरे से गाड़ी 10 लाख की डिमांड की गई, गाड़ी की डिमांड जो कि सबसे फर्जी एलिगेशन है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फिर, आपको गैस का चूल्हा किया साहब ओपन किया, मैं नहा रही थी धो रही थी, मेरा देवर आया मेरा ससुर आया, ये चीज़ ये सबसे झूठे बेबुनियाद होते हैं हकीकत में। ये थर्ड पॉइंट आ गई, हमने शादी में खर्च कर दिया कितना, 40 लाख 50 लाख, कैपेसिटी हमारी 10 लाख की है लेकिन हमने 40-50 लाख खर्च कर दिया, ये सबसे झूठा बने। अगर इस तरह की आपकी पुलिस एफआईआर जो दहेज केस की है, अगर ऐसे टाइप के एलिगेशन है तो भैया 101% जीत आपकी ही मिलेगी, 100% फीमेल की तरफ से हार ही मिलेगी, याद रखना। लेकिन मेल की तरफ से मतलब हस्बैंड की तरफ से उनको जीत मिल जाएगी, क्योंकि ये बेबुनियाद एलिगेशन होते हैं जिन्हें कोई साबित नहीं कर सकता है। शादी में आप 35-40 लाख रुपये खर्च कर दिए, वो कम से कम दिखना तो चाहिए ना, उस तरह की शादी हुई है नहीं हुई वो चीज़ तो सामने आनी चाहिए ना पहले। तो दोस्तों इन चीज़ों से अगर ऐसे एलिगेशन आप पे लगे हुए हैं तो मतलब समझ जाना कि एफआईआर में कोई ज़्यादा दम नहीं है और ये केस आगे तक नहीं चल पाएगा। अब मैं बात करता हूँ, अगला पॉइंट लेके आऊँगा मैं, अगला पार्ट में लेके आऊँगा कि महिलाएँ वाकई अगर कोई भी दहेज की डिमांड की जाती किसी भी महिला के साथ तो एक्चुअल में उसे पुलिस एफआईआर में क्या क्या चीज़ रखना है और एंड तक अपना क्या प्रोसीजिंग रखना है, उसका एक स्पेशल मैं पार्ट बनाऊँगा, अगला पार्ट उसी का लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।